दोस्तों आज हम बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं और आज भी हम फ्लेक्सिबल बजट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाते हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखिए अपने नोट्स में, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसका लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप वहां से भी आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो पार्थ शिक्षा नाम से आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक आयरन्स द फॉलोइंग आर बजटेड एक्सपेंसिव। यानी कि इसमें 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक आयरन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ध्यान देना। आगे लिखा है डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है, डायरेक्ट है इसमें पूरा का पूरा, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है ₹15,000 रिजिड फॉर ऑल द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। रिजिड का मतलब फिक्स्ड होता है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो है वो पूरा का पूरा फिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स्ड है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स पर यूनिट 160 दे रखा है। आपको करना क्या है, प्रिपेयर बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 6,000 7,000 8,000 आयरन्स शोइंग डिस्टिंक्टली मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट एक प्रकार से, यानी कि आपको मार्जिनल कॉस्ट अलग दिखाना है और फिक्स्ड कॉस्ट अलग दिखाना है, और फिक्स्ड और मार्जिनल से हमको क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल का मतलब जैसे कि आपको मालूम है कि वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मार्जिनल कॉस्ट ए पार्ट, मार्जिनल कॉस्ट को हमने क्या सीखा था कि वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। अब पूरा क्वेश्चन में दो ही पार्ट में, अभी तक के हमने फ्लेक्सिबल बजट में तीन पार्ट में सीखा है, एक तो पूरा का पूरा फिक्स होता है और एक वो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है, और एक वो खर्चे जिसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ वेरिएबल होता है उसको हमने सेमी वेरिएबल में कैटेगराइज किया था। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है, आपको सिर्फ दो ही में कन्वर्ट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट, एक है मार्जिनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट और दूसरा है फिक्स कॉस्ट, इसमें आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है 6,000 7,000 और 8,000। इसमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करने के लिए बोला है, पर क्योंकि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पर यूनिट में ही दे रखा है, इसीलिए मैंने अलग से पर यूनिट का कॉलम बना लिया है। आप चाहे तो बनाए या ना बनाए आपकी मर्जी है, बट अपनी आसानी के लिए बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल हमने अभी तक क्या सीखा है कि जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो पर यूनिट हमेशा हर लेवल के लिए फिक्स होता है। यानी कि प्रोडक्शन 6,000 यूनिट हो जाए, 7,000 हो जाए, 8,000 हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, एक यूनिट का कॉस्ट सेम रहता है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा खर्चा आएगा, कम प्रोडक्शन होगा कम खर्चा होगा, पर यूनिट कॉस्ट नहीं बदलेगा जब तक क्वेश्चन में कुछ बोले ना। तो आप यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है ₹60 पर यूनिट, ऊपर रुपीज के आगे लिखा है पर यूनिट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस जो है कितना रुपए पर यूनिट है, ₹60 है, और डायरेक्ट लेबर का कितना है आपका, डायरेक्ट लेबर का है ₹30 पर यूनिट। और एक और है आप देखिए फिफ्थ नंबर पे वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने रुपए हैं, डायरेक्ट ₹5, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में। तो ये पर यूनिट सेम होता है, आप 6,000 के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 6,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,000 के लिए बनाएंगे तो 7,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 8,000 का बनाएंगे तो 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये कॉस्ट पर यूनिट सब जगह सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होने वाला है, बस आपको मल्टीप्लाई करना आता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए फ्री के नंबर है। तो कितना आ गया आपका, 60 × 6,000 आपका आ जाएगा यहाँ 360,000, मल्टीप्लाई कर लीजिए 6,000 को इंटू 30 करेंगे 180,000, और ये आ जाएगा आपका ₹30,000। वैसे ही यहाँ पे करेंगे आपका 7,000 मल्टीप्लाई करेंगे 60,
तो ये 4,20,000 आ गया, 2,10,000 रुपये आ जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए 8,48, 4,80,000 रुपये आ जाएगा। ये तो मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, आप भी लिख लेंगे। आगे क्या लिखा है फोर्थ नंबर पे देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड जो है 15 रुपये दे रखा है, फिक्स्ड ओवरहेड। तो जो फिक्स्ड वाले है ना वो हर लेवल पे फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या है, सबसे पहले नंबर पे है आपका फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये फिक्स्ड ओवरहेड का देखिए कितना रुपए है, यूनिट में दे रखा है 15 रुपए। और एक बात बताइए, ये जो कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है वो कितने यूनिट के लिए दे रखा है, ऊपर ही लिखा है 10,000 इलेक्ट्रिकल ऑटोमेटिक आयरन बनाया जा रहा है। तो ये जो जितने यूनिट है वो 10,000 के लिए है। और हमेशा याद रखना जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है इन टोटलिटी फिक्स्ड होता है। तो इसका मतलब पहली बार जितना कंपनी ने प्रोडक्शन किया होगा यूनिट, उस साल जितना फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट आया होगा उतना ही अमाउंट जो है हर साल फिक्स कॉस्ट का रहेगा। तो देखिए कि फिक्स्ड कॉस्ट का जो ओवरहेड जो रेट है वो आपका है 15 रुपये। क्या है ये 15 रुपये, तो कैसे निकलेगा ये 10,000 यूनिट के लिए आप 15 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1,50,000 रुपये। यही है आपका फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब चाहे आप 6,000 बनाए, 7,000 बनाए, 8,000 बनाए, तीनों कैटेगरी के लिए फिक्स कॉस्ट आपका कितना होगा, फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000 रुपये। फिक्स कॉस्ट मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन टोटलिटी फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है जब तक क्वेश्चन में ना बोले, इसमें नहीं बोला है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट देखिए, पर यूनिट देखिए सेम है ना, बट फिक्स कॉस्ट जो है पर यूनिट सेम नहीं रहता है, फिक्स कॉस्ट इन टोटल सेम रहता है। तो टोटल हमने कैलकुलेट कर लिया 1,50,000, अभी लिखेंगे और देख लेते हैं कि फिक्स वाला कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस में डायरेक्ट 5 रुपये दे रखा है, तो ये तो हमने कर लिया है डायरेक्ट वाला हमने कर लिया है। अगला है आपका वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो थर्ड नंबर पे है, तो ये वेरिएबल नाम से पता चल रहा ना, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दे रखा है, 25 रुपये यूनिट दे रखा है। तो क्योंकि वेरिएबल है हर लेवल पर यूनिट कॉस्ट सेम रहता है। अगला है आपका वेरिएबल एक्सपेंस डायरेक्ट, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है, आप देखिए सेलिंग फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। अब एक बात बताइए, क्वेश्चन में लिखा है सेलिंग एक्सपेंस 15 रुपये है और 15 रुपये का कितना परसेंट फिक्स है, 10%। यानी कि 15 रुपये का 10% मतलब ये कि 1.5 पर यूनिट जो है वो फिक्स है। तो पर यूनिट फिक्स है तो हम स्टार्टिंग प्रोडक्शन लेवल देखेंगे, 10,000 यूनिट्स के लिए 1.5 के हिसाब से कितना आ गया आपका, 15,000 रुपये जो है वो फिक्स है हर लेवल के लिए। यूनिट प्रोडक्शन लेवल से कोई लेना देना नहीं है इसका। इसका मतलब 15 रुपये में 1.5 फिक्स है, तो वेरिएबल कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस। अब 15 में से 1.5 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13.5। ये हर लेवल के लिए सेम रहेगा 13.5, हमें इसको यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000 रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, हर लेवल पे 50,000 रुपये रहेगा। अब बस ये देखना है कि 50,000 रुपये जो है वो फिक्स हर लेवल के लिए टोटल है या इसमें कुछ वेरिएबल भी है। सर ये टोटल और इसमें वेरिएबल है या नहीं कैसे पता चलेगा, इसके आगे आपको यूनिट दे रखा है, कितने रुपए कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है, 5 रुपये। तो 5 रुपये जो है, और ये कितने प्रोडक्शन लेवल के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा है, 10,000 यूनिट के लिए। तो अगर मैं चेक करूं 10,000 यूनिट के लिए 5 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये आता है और ब्रैकेट में अमाउंट भी 50,000 रुपये लिखा है, इसका मतलब ये पूरा 100% जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन फिक्स हो गया। और फोर्थ पे आगे है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 20% फिक्स, फिर से यहाँ पे आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका पर यूनिट जो दे रखा है वो 5 रुपये है, तो 5 रुपये जो दे रखा है, 5 का कितना परसेंट, 20% फिक्स है।
तो 20% अगर फिक्स्ड है तो कितना आ जाएगा, एक तो 10,000 यूनिट है प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल, प्रेजेंट प्रोडक्शन एट 10,000 यूनिट, ठीक है। तो 10,000 के लिए एक रुपए के हिसाब से 10,000 रुपये, तो ये फिक्स कॉस्ट कंप्लीट। आप बताइए पांच में से एक रुपए फिक्स है तो बाकी वेरिएबल कितना हो गया, बाकी यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल, वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आ गया, पांच में से घटाने पे 4 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल हमें पर यूनिट मालूम है कि सेम रहता है, तो ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, आगे है आपका ये सारा का सारा अगर टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा यानी कि मार्जिनल, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टोटल मार्जिनल कॉस्ट ए। अब सेकेंड पार्ट हम बी की बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट की। फिक्स्ड में हमने लिख लिया है चार है, सबसे पहला है फिक्स्ड ओवरहेड जो कि कितना रुपए आया था, 1,50,000 रुपये, हर लेवल पे सेम रहेगा, हर लेवल पे सेम रहेगा, तो ये 1,50। नेक्स्ट था आपका फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस, फिक्स्ड कितना आया था, फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस 15,000 रुपये, हर लेवल पे 15,000 रुपये ही रहेगा, 15,000 रुपये ही रहेगा। और तीसरे पे था आपका ये 10,000, क्या था आपका ये 10,000 रुपये जो था वो था आपका 50,000 एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कितना रुपए हर प्रोडक्शन लेवल के लिए, 50,000, 50,000 यहाँ भी आएगा और 50,000 यहाँ भी आ जाएगा। और लास्ट था डिस्ट्रीब्यूशन, तो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना आया था, 10,000 रुपीज, 10,000 एंड 10,000, तो ये आपका फिक्स भी कंप्लीट हो गया है। अब आप इनका टोटल फिक्स का कर सकते हैं, वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी यानी टोटल मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो क्या करना है कि मार्जिनल, और हाँ ये फिक्स कॉस्ट के लिए पर यूनिट मैंने बताया ना चेंज, अब ये 1,50 जो है वो 6,000 के लिए करोगे तो कितना आएगा, आप डिवाइडेड बाई 6,000 कर दोगे तो आ जाएगा 25। यहाँ पे अगर मैं इस 1,50 को करूँ कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 7,000 से, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21.43। अगर मैं यहाँ पे 1,50 का पर यूनिट निकालूँ कितने यूनिट के लिए, 8,000 के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 18.75। ऐसे ही बाकी का पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे, और क्योंकि वेरिएबल पर यूनिट सेम रहता है इन टोटलिटी अलग होता रहेगा, तो ये 60 ही कर लिया था हमने। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6,000 मल्टीप्लाई 25 1,50, आप बाकी पूरा कर लेंगे ये 32,000, इन सभी का टोटल कर लीजिए, तो टोटल आपको टोटल कॉस्ट का करना पर यूनिट का नहीं करना है, तो आप कर लीजिए ये आपका आ गया 11,00,000 रुपये। तो हमने टोटल कर लिया, आप फिक्स का भी टोटल कर लीजिए, 1,50 15,000 50,000 और 10,000, ये आ रहा 2,25,000, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम रहता है, तो ये तो यहाँ भी आपका इसका सम करेंगे तो 2,25,000 ही आएगा, इसका भी सम करेंगे तो 2,25,000 ही आएगा। मैं 8,000 यूनिट के लिए फिक्स 2,25 है और वेरिएबल कितना है 11, तो आपका आ जाएगा 13,25,000 रुपये टोटल कॉस्ट, क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट। वैसे ही अगर मैं इसके लिए करूं तो 2,25,000 रुपये फिक्स है और वेरिएबल कितना है 9,62,500, तो ये आपका आ जाएगा 11,87,500 और यहाँ है आपका 8,25,000 और प्लस कर देंगे 2,25,000 रुपये तो आपका आ जाएगा 10,50,000 रुपये। यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए बोला था टोटल कॉस्ट। तो बताइए कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है या आसान है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका बीकॉम ऑनर सीए इंटरमीडिएट में भी आ चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ डिपार्टमेंट ऑफ ऑलस्टॉम इंडिया कंपनी अटेंड सेल्स ऑफ रुपीज 6,00,000 एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी, इट्स एक्सपेंसेस आर गिवेन बिलो। अब क्या क्या दे रखा है, यानी कि अभी जो कंपनी का सेल्स है वो 6,00,000 रुपये का है, और ये जो 6,00,000 रुपये का सेल्स है वो कितने परसेंट की कैपेसिटी पे कंपनी वर्क कर रही है, तो सेल्स है 80%,
यानी 80% की कैपेसिटी पे जो सेल्स है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब हमें देखना क्या है कि इन्फॉर्मेशन जो दे रखा है, ऑफिस सैलरी दे रखा है 90,000, जनरल एक्सपेंस है 2% ऑफ सेल्स, डेप्रिसिएशन 7,500, रेंट एंड रेट से 8,750, सेलिंग कॉस्ट है सैलरी 8% ऑफ सेल्स, सैलरी ट्रेवलिंग में है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 2% ऑफ सेल्स, सेल्स ऑफिस है 1% ऑफ सेल्स, जनरल एक्सपेंस है 1% ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वेजेस 15,000, रेंट है 1% ऑफ सेल्स, अदर एक्सपेंसेज है 4% ऑफ सेल्स। ड्रॉ अप फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। यानी आपको इसमें जो बजट बनाना है फ्लेक्सिबल बजट, वो 90% की कैपेसिटी, 100% एंड 110% की कैपेसिटी पे बनाना है। और इसमें फ्लेक्सिबल जो है किस किस में, कितने टुकड़ों में करना है, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि 3 अलग अलग पार्ट में करना है। यहाँ पे फिक्स वेरिएबल और सेमी में आपको नहीं करना है पार्ट, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन मार्जिनल और फिक्स 2 पार्ट में स्प्लिट करना था ना, यहाँ पे आपको 3 पार्ट में बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन में करना है, सेलिंग में करना है और डिस्ट्रीब्यूशन में करना है। तीनों का आप अलग अलग करके बताइए। सर ये पूरे में क्वेश्चन में कुछ अमाउंट में दे रखा है और कुछ परसेंटेज ऑन सेल्स दे रखा है, तो कैसे पता चलेगा क्या ये सारे के सारे वेरिएबल है या फिक्स है, दोनों में अंतर क्या है? दोस्तों ये जो अमाउंट में दे रखा है वो सारे के सारे फिक्स है, क्योंकि मैंने क्या बताया अभी तक के कि जो अमाउंट इन टोटलिटी होता है वो फिक्स होता है हर लेवल पे, चाहे 90 पे करो, 100 पे करो, 110 पे करो, और ये जो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है 80% की कैपेसिटी, कितने ही परसेंट पे करो फिक्स तो हमेशा फिक्स ही रहता है। तो ये जो अमाउंट में आपको दिख रहा है वो फिक्स है, ओके, और ये जो परसेंटेज में दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो वेरिएबल है, बस खेल खत्म। तो इसका मतलब सेल्स, अब सेल्स तो अलग अलग होगा, क्योंकि ये जो 6 लाख रुपए का सेल्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो 80% की कैपेसिटी के लिए होगा, तो आपको 90, 100% और 110% के लिए सेल्स कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप सेल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो बताइए ये 80% के लिए इतना है, आपने बचपन से रूल सुने होंगे क्या कि 80% के लिए 6 लाख है, तो 1% के लिए कितना आएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाई 80%, अगर मैं परसेंट से डिवाइड कर दूँ तो 100%, सीधा सा मतलब है। अब ये कितना के लिए आ चुका है, 1% के लिए आ चुका है, तो आपको जितने परसेंट के लिए निकालना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे 90% के लिए निकालना है तो मैं इसमें 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मुझे 100% के लिए निकालना है तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाय 80%, ये 1 का निकल चुका है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर मुझे 110% के लिए निकालना है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 80% इंटू में 110%। अब मालूम होगा कि परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको सीधा कैलकुलेटर चलाना है, 90 से मल्टीप्लाई करना है और 80 से डिवाइड करना है, तो ये आपका आ गया 6,75,000 रुपये का सेल। दूसरे में है आपका 6 लाख 80 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7,50,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 लाख इंटू में 110 डिवाइडेड बाई 80, 8,25,000। तो ये आपका तीनों लेवल का सेल्स आ गया। तो हम लिख लेते हैं 6,75,000 90%, 100% पे 7,50,000 रुपये का सेल्स है, और 8,25,000 पे ये 110% पे इतना सेल्स है। ये तो आपका सेल्स का इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब आपको 3 पार्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला जो है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें ए पार्ट में लिख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या दे रखा है आप बस देख के लिख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ऑफिस, जनरल, डेप्रिसिएशन, रेंट एंड रेट्स, ये सारे के सारे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं, तो आप लिखिए जल्दी से। सबसे पहला है आपका ऑफिस सैलरी,
ऑफिस सैलरी आपको क्वेश्चन में 90,000 रुपये दे रखा है। अब ये 90,000 रुपये मैंने जैसे कि बोला कि जो अमाउंट में दे रखा है वो हर लेवल पे सेम है, इसका मतलब यहाँ भी 90,000 रुपये आएगा और यहाँ भी 90,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट पार्ट में लिखा है आपका जनरल एक्सपेंस, और ये जनरल एक्सपेंसेस है 2% ऑफ सेल्स। अब ये 2% ऑफ सेल्स हर, अब ये 2% सबका कैलकुलेट करना है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे आपका सेल्स है 675,000, इसका 2% करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 13,500। यहाँ पे सेल्स है आपका 750,000, इसका 2% करेंगे तो 15,000 रुपये आ जाएगा। और थर्ड में आपका 825,000 का सेल्स है, इसका 2% करेंगे तो 16,500 आ जाएगा। कमाल है। अब थर्ड नंबर पे आपका डेप्रिसिएशन, और ध्यान से देखिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो अमाउंट के फॉर्म में दे दिया है, हर लेवल पे सेम रहेगा 7,500 इन टोटलिटी सेम है। नेक्स्ट है रेंट एंड रेट्स, ये भी अमाउंट में दे दिया है, ये भी फिक्स है हर लेवल पे 8,750। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ए पार्ट लिख लीजिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आपका सेलिंग, क्या बोला है सेलिंग, तो मैं सेलिंग के लिए बी पार्ट लिख लेता हूँ, सेलिंग कॉस्ट। ध्यान देना क्योंकि हमें तीन पार्ट में बनाना है, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो वेरिएबल हो और फिक्स हो दोनों इसी में रखेंगे, सेलिंग कॉस्ट में भी सेलिंग के जो वेरिएबल हो और फिक्स हो वो दोनों इसी में लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का जब करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी फिक्स और वेरिएबल उसी हेड में करेंगे, बस ये। तो सेलिंग में सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा है, सैलरी लिखा है 8% ऑफ सेल्स। अब ये 8% सेल्स अलग अलग है तो कैलकुलेट कर लीजिए, 675,000 रुपये का 8% आपका आ जाएगा 54,000। यहाँ पे क्या है 750,000 का 8% 60,000 रुपये। यहाँ पे है आपका 825,000 रुपये का सेल्स है, इसका 8% करेंगे तो 66,000 आ गया। कमाल है। वेरिएबल कॉस्ट यही तो होता है कि वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जितना सेल्स होगा उसका 8%। ठीक है, आगे है आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 2% ऑफ सेल्स, ये भी वेरिएबल है 2% ऑफ सेल्स। अब सेल्स फिर दोबारा से सेल्स यहाँ देखिए 2% करने पर ये आया था ना, तो इसका मतलब यहाँ पे भी यही आएगा 13,500, यहाँ पे 15,000 क्योंकि सेल्स का अमाउंट तो सेम है ना, और यहाँ आएगा 16,500, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका सेल्स ऑफिस, तो ये सेल्स ऑफिस जो है आपका 1% ऑफ सेल्स। अब 1% 675,000 का कितना आ जाएगा 6,750 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा 7,500, और यहाँ कितना आ जाएगा 8,250 रुपये, ये 1% आ गया। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस भी कितना है, ये भी 1% ऑफ सेल्स, तो कितना आएगा, यही आएगा 6,750 8,250, कंप्लीट हो गया ये 1%, दोनों बराबर। और आगे लिखा है आपका जनरल एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है, कौन सा कंप्लीट हो गया है, ये हो गया टोटल एडमिनिस्ट्रेशन टोटल सेलिंग कॉस्ट आ गया, ये बी पार्ट, इसका टोटल कर लेंगे। और सी पार्ट में क्या है आपका, सी पार्ट में है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आप देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले वेजेस है और वेजेस अमाउंट में दे रखा है, वेजेस आपका अमाउंट में है 15,000 रुपये, तो अमाउंट में है तो हर लेवल पे फिक्स रहेगा, इन टोटलिटी सेम रहेगा, फिक्स है। और रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस जो है परसेंटेज में है, रेंट है और आपका अदर एक्सपेंस, रेंट जो है वो आपका है 1% ऑफ सेल्स। अब 1% अभी आपने कैलकुलेट किया था ना, तो यही आएगा 6,750, यहाँ पे आएगा 7,500, यहाँ पे 8,250। और लास्ट है 4% ऑफ, ये 4% ऑफ सेल्स है, 4%, तो कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पे
675,000 का 4% आएगा 27,000 रुपये। यहाँ पे है आपका 750,000 का 4% 30,000 रुपये, और यहाँ पे है आपका 825,000 का। तो आप इन तीनों का टोटल कर लीजिए, ये जो टोटल आएगा वो क्या आएगा, टोटल सेलिंग कॉस्ट आएगा सी। तो आपको क्या करना है, इन सभी का टोटल कर लीजिए पहले, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, इसका टोटल यहाँ, 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 ये टोटल 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 आप करिए, मैं भी करता हूँ जल्दी से। 90,000, ये 52,500। तो देखिए हमने तीनों का कर लिया है। अब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना हो तो टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ए प्लस बी प्लस सी। आप देखिए 90% की कैपेसिटी पे ए का ये है, बी का ये रहा, सी का ये, तीन तरह के खर्चे, हमने खर्चे को तीन पार्ट में स्प्लिट किया है ना, तो तीनों पार्ट में अगर कर देंगे तो आपका जो 48,750 प्लस 81,000 प्लस 119,750 रुपये, तो ये आपका आ गया 249,500। वैसे ही कर लेंगे इसका से 100% की कैपेसिटी पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल खर्चा कितना है, 121,250, और आपका सेलिंग कॉस्ट कितना है, 90,000 है, और ये कितना है, 52,500। तो आपका आ गया 263,750। वैसे ही अगर मैं 110% की कैपेसिटी पे बात करूं तो 122,750 प्लस 99,000 प्लस 56,250, तो ये आपका आ गया 278,000। ये आपका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। यही आपको क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट करने के लिए, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करिए। फ्लेक्सिबल मेथड यानी कि तीन अलग अलग, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, और सेलिंग कॉस्ट यहाँ ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग हमने लिखा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सी, तीनों का सम कर दिए ए बी सी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, उन हर दोस्तों को, हर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जिनको ज़रूरत है, जो ट्यूशन फीस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उनके पास फीस अवेलेबल नहीं हो, फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से पढ़ नहीं पा रहे, तो उन सभी को आपको हेल्प करना है, शेयर करके आप उन तक पहुँचाने की कोशिश करिए। दोस्तों इसी के साथ हम आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।